हर गांव क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आया। चीनी मिल में पेराई शुरू हो जाने से अब किसान अपना गन्ना मिल को बेच सकेंगे। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हर गांव के पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ बिड़ला मंदिर के पुजारी पंडित जगदीश चंद्र जोशी व पंडित मोहन चंद्र जोशी द्वारा मिल के अधिशासी अध्यक्ष डीके शर्मा से विधि विधान से पूजन कराकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू किया गया। अधिशासी अध्यक्ष, अधिशासी उपाध्यक्ष शूरवीर सिंह, विजय वीर राणा, पंकज गोयनका एवं अन्य मिल अधिकारियों ने मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की। परंपरा के अनुसार अधिशासी अध्यक्ष ने मशीनों एवं कांटों का पूजन कर सर्वप्रथम भीखपुर निवासी चंद्रभाल वर्मा की बैलगाड़ी का पूजन किया। बैलों को गुड़ खिलाकर माला पहनाई। बैलगाड़ी मालिक को अंग वस्त्र, नकदी, मिठाई व नारियल देकर गन्ना भरी ट्राली एवं गन्ने भरे ट्रक का पूजन करके ड्राइवर को अंग वस्त्र, मिठाई, नकदी, नारियल देकर तौल प्रारंभ करवाई। अधिशासी अध्यक्ष ने किसानों से अपील की कि वे अपना गन्ना ताजा, साफ सुथरा, अगौला रहित पर्ची के अनुसार ही मिल में लाएं। गन्ना आपूर्ति करने वाले समस्त ग्रामों की शिफ्ट वार समय सारिणी घोषित कर दी गई है, उसी शिफ्ट के अनुसार मिल में गन्ना लेकर आएं। उन्होंने कहा 51 क्रय केंद्रों पर तौल चालू हो चुकी है और जो रह गए हैं वह भी शीघ्र चालू हो जाएंगे। इस अवसर पर अधिशासी पंकज गोयनका, प्रमोद महेंदियान, आनंद गुप्ता, पुष्पेंद्र ढाका, रवि शर्मा, आर.एस. अग्नोत्री, बीरबल पाल, नितेश अग्रवाल, प्रशुभ मिश्र, जे.पी. श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, अतुल शर्मा, सुरेश पांडे सहित भारी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व किसान मौजूद थे। आई इंडिया के लिए हर गांव से अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।